हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप। आज मैं आपको करनाल के अंदर की बहुत ही अच्छी वैकेंसी बताऊंगा, जो मेल पर्सन है, फीमेल पर्सन है, कम पढ़े लिखे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि मैं देविंदर छाबड़ा शिव जॉब कंसल्टेंसी करनाल से अपने शहर वासियों के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी लेके आया हूँ। तो आज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपोर्ट कंपनी है, डॉक्यूमेंटेशन का काम आ चुका है और शोरूम के अंदर जॉब आ चुकी है। जो 10+2 पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे वीडियो के साथ आज बने रहें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में मेरी मदद कीजिए। मैं देविंदर छाबड़ा आज करनाल के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आ चुका हूँ। जो पर्सन को जॉब की ज़रूरत है, कम पढ़े लिखे हैं, 2+ पास हैं, उनके लिए भी रिक्वायरमेंट आ चुकी है। और जो फीमेल लेडीज हैं, वो जो घर में काम करना चाहती हैं, उनके लिए भी वर्क फ्रॉम होम भी जॉब की वैकेंसी में लेके आ चुका हूँ। और जिन पर्सन को मेड की ज़रूरत है, घर में काम करना चाहती हैं लेडीज, तो उनके लिए भी मैं वैकेंसी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको करनाल की लेटेस्ट वैकेंसी आपको बताता रहता हूँ। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, जिसको लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आज से आपको कंपनियों के बारे में आपको नाम भी बताता हूँ, एड्रेस भी आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको पहली वीडियो में भी आपने देखा है। जो पहली वैकेंसी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जो 2+ पास हैं, मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन है, शोरूम के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो मेरे पास एक कस्टमर डीलिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब की पोस्ट आई हुई है। इसके अंदर मेरे को 5 से 6 लड़के चाहिए, जो शोरूम के अंदर जॉब करना चाहते हैं। एज ए फ्रेशर लड़कों की सैलरी रहेगी 9 से 10 हज़ार रुपये, और उसके अंदर जो आपको काम करना रहता है, कस्टमर डीलिंग करने का काम रहेगा। कस्टमर आपके पास खुद आएंगे, उनको आपको डीलिंग करना होता है, उनको जो प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है उनको आपको दिखाना होता है। दूसरी जो वैकेंसी आपको मैं बताना चाहूँगा, वो लोकेशन आपको मॉडल टाउन की मिलेगी, वो भी एक रेपुटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का शोरूम है। उसके अंदर भी आपको एज ए सेल्स बॉयज के लिए मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है। बेसिक सैलरी आपकी 12,000 रुपये रहेगी, बेशक आप 10th पास हैं या 2+ पास हैं, मेल पर्सन जॉब करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपका काम रहेगा एज ए सेल्समैन हेल्पर का काम रहेगा। सेम काम रहता है, कस्टमर एग्जीक्यूटिव का काम रहेगा, जैसे आपने ईजी डेवी सालमे का मार्ट के नाम सुना होगा, ऐसा ही शोरूम ओपन हुए हैं, उसके अंदर आपको काम करना रहता है। जैसे कि आपने देखा कि हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो उसके अंदर क्या करना होता है कि जो हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ें हम खुद भी उठा सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पर सेल्स काउंटर होते हैं उनसे भी वो उठा के दे सकते हैं। बट लेकिन बेसिक ही वर्क करना रहता है, कोई टारगेट कोई बाउंडेशन नहीं है। बेसिक सैलरी आपको शोरूम के अंदर 12,000 रुपये मिल जाएगी, जो आपको मॉडल टाउन के अंदर जॉब करना चाहते हैं। दूसरा शोरूम मेरे पास बस स्टैंड की लोकेशन मिल जाएगी। उनके पास 2 तरीके की वैकेंसी है, एक उनको पीएन में भी लड़का चाहिए, एक उनको कस्टमर डीलिंग के लिए भी रिक्वायरमेंट है। वो 2 शोरूम के आपको नाम बताना चाहूँगा, कि पहला शोरूम है रौनक बाज़ार के नाम से, और जो दूसरा शोरूम है डुक के नाम से शोरूम है, जो फुटवेयर कंपनी का एक शोरूम है। उनको एक लड़का चाहिए जो हेल्पर का, सेल्स क्लर्क का कोई काम करना चाहता हो, वो इसको अप्लाई कर सकता है। और दूसरा जो शोरूम मैंने रौनक बाज़ार के लिए बताया है, इनको एज ए सेल्समैन हेल्पर की रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपको हमारा नाम लेके भी जाते हैं तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको ओनली फॉर्मल ड्रेस में जाना है। और दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अब मेरे वीडियो पे नए आए हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं करनाल के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसियाँ बताता रहता हूँ, क्योंकि अपना शहर है तो अपना होम टाउन, जितने भी मैं आपके लिए हेल्प कर पाऊँगा वो आपके लिए मैं करता हूँ। एक्चुअली 2 दिन से मैं नहीं आ पा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन आप सबके प्यार से मैं बच गया। थोड़ी गाड़ी तो नुकसान हुआ है, बट चलो मैं ठीक हूँ अभी आपके लिए चलो काम करता हूँ, तो दुआ भी काम करती है, तो ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। और आज की जो वैकेंसी मैं लेटेस्ट वैकेंसी आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा आप शेयर करें। दूसरी जो मैं आपको कंपनियाँ बताना चाहूँगा, ये तो आपके लिए हो गए शोरूम के लिए, जो 10+2 पास हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो कम पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, उनके लिए भी हमारे पास घर में काम करने के लिए लेडीज़ की ज़रूरत है, जो कि लिबर्टी हाउस के अंदर रिक्वायरमेंट्स है। दूसरी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एज ए आपको वैक्सीन लगी होनी चाहिए, 1 डोज या 2 डोज लगी, और आधार कार्ड आप अपना लेके जाएं, और उसके बाद आपका प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके आपका इंटरव्यू हम करवा देंगे। दूसरी जॉब आपको मेड के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है, उसके अंदर पीएन की जॉब करने का काम रहता है, साफ़ सफाई का काम रहता है,
वो 7 से 8 हज़ार रुपये की सैलरी आपको करनाल के अंदर मिल जाएगी गौशाला रोड की। जो 2 लेडीज़ की वैकेंसी हमारे पास आज की डेट की आई है गौशाला रोड की आई है, और दूसरी जो वैकेंसी आई है वो आपको लिबर्टी के अंदर हमारे पास जरूरत है, जो रेलवे रोड के अंदर की वैकेंसी आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। ये 19 अगस्त के अंदर मैं आपको ये वैकेंसी बता रहा हूँ, आप इसको 20 अगस्त या 21 अगस्त तक इसको अप्लाई करके इस पोजीशन को आप क्लोज कर सकते हैं। और जिस पर्सन को आज जो मैं आपको वैकेंसियाँ बताऊँगा आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप जो वैकेंसियाँ बताऊँगा मैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए मैं आपको बताऊँगा, तो उसके साथ मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको पहली वैकेंसी बताना चाहूँगा जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, उसके अंदर मेरे पास एज ए कॉल सेंटर का वर्क रहेगा, जिनकी इंग्लिश अच्छी है 50% से अबोव इंग्लिश है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी टाइमिंग रहेगी सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे तक की शिफ्ट रहेगी, बेसिक सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपये तक की आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो वैकेंसी मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे अपने यहाँ पर कौशल योजना के थ्रू या आपको मोदी जी की स्कीम के थ्रू जो जो अपडेट आती रहती हैं उसकी तरह ही उनका सेम प्रोफाइल रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको बताना होता है कि सर ये गाइड्स लाइन आपको प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट्स की ओर से, तो इस तरीके की कॉलिंग करनी होती है। तो उसमें भी कोई टारगेट कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी जितनी ज़्यादा इंग्लिश अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी लग जाएगी, लोकेशन आपको मुगरनाल की मिल जाएगी। ये टोटली कंपनी ऑस्ट्रेलिया बेस की कंपनी है और एक रेपोटेड कंपनी है। ये कॉल सेंटर अभी करनाल के अंदर ओपन हुआ है, इसमें मेल पर्सन और फीमेल पर्सन दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी और एक्सपीरियंस भी। और जो दूसरी कंपनी बताना चाहूँगा वो एक प्रिंट प्रेस की कंपनी है, उसके अंदर जो कंबल्स वगैरह बनते हैं, एक तो प्रिंटिंग प्रेस होती है जो गत्ते वगैरह बनाती है, एक प्रिंट वगैरह कंपनी होती है पेपर मिल होती है, उसके अंदर भी मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है एज ए सुपरवाइज़र के लिए और एक एज ए अकाउंटेंट के लिए। जो पर्सन को अकाउंटेंट के बारे में नॉलेज है वो लोकेशन आपको सेक्टर 3 की मिल जाएगी। और दूसरी मैनबत्ती के अंदर मेरे पास एज ए पेपर मिल की कंपनी है, उसके अंदर मेरे पास अकाउंटेंट की ज़रूरत है, 20 हज़ार रुपये तक की सैलरी आपको उसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मेल पर्सन इसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड और आखिरी जो मैं आपको कंपनी बताना चाहूँगा बहुत ही रेपुटेड कंपनी है, इसके अंदर एक्सपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन का काम करने के लिए एक लड़का चाहिए जिसको इंग्लिश 50% से अबोव हो, नॉर्मली टेक्निकल काम करना रहता है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में स्किल का ही काम रह गया है। तो आपको सिटिंग जॉब रहेगी, पार्टी से ऑर्डर लेने का काम रहता है और ईमेल्स वगैरह करने का काम रहता है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन आपको गौशाला रोड की मिल जाएगी। इसके अंदर मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन बॉय चाहिए, एक कंप्यूटर ऑपरेटर बॉयस चाहिए, और मेल भी कर सकती है या फीमेल भी जो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एक मेड की ज़रूरत है जैसे ही मैंने आपको बताया था। ये सारी वैकेंसियाँ मैं आपको करनाल के अंदर बता रहा हूँ। इस वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं आपको आज से मैं आपको डेली वाइज डेली की जैसे आज की 19 अगस्त है तो आपको डेली वाइज मैं आपको वैकेंसी आप तक मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।